देखिए दोस्तों, मुर्गा भात। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा चिकन तैयार हो गया है। देखिए चिकन लेग पीस, बिल्कुल लेग ही लेग है दोस्तों। खाली हमें लेग ही खाते हैं और कुछ नहीं। आप लोग भी दोस्तों बनाइए और खाइए। देखिए दोस्तों, पूरा फैमिली आज बैठे खा रहे हैं एक साथ। मेरा बेटा का उसका हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया दोस्तों, ये देखिए। हमारे लड्डू भी खा रहे हैं, लड्डू। देखिए दोस्तों, हाँ मैडम। चलिए दोस्तों, हम फटाफट खा लेते हैं, हम लोग देर नहीं करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा खाना तो रुकना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, एकदम चिकना हो गया, लेकिन ना अच्छी तरह साफ कर दीजिए। पंजा तो ऐसे खाए ना, खाली पंजा हम खाओ, उसका भी खाली पंजा देंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हमारे न्यू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, और जितने हमारे गांव से वीडियो देखते हैं उनको प्रणाम है। क्या पुष्पा जी, और दोस्तों आज बना रहे हैं मुर्गा का पंजा बनाएंगे दोस्तों, वही दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो सस्ता में आ जाता है, सिर्फ 50 रुपये में हम सब जने खा लेते हैं ना पुष्पा, इसीलिए दोस्तों बार बार हम मुर्गा के पंजा ही बनाते हैं। और हम इसलिए बनाते हैं दोस्तों, जो हमारा 300, 400, 500 जो आदमी देखते हैं, बस इतना ही सपोर्ट मिलता है, बहुत है, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए क्या। चलिए दोस्तों, जा रहे हैं हम पंजा लाने, देखते हैं पहले पंजा मुर्गा का मिलता भी है कि नहीं। की पुष्पा, की होता नहीं मिलते, अब मिल गया तो दोस्तों वीडियो बनेगा, नहीं मिलेगा तो देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों हमारा वो साइकिल खड़ा है, उसी से जाएंगे दोस्तों, क्योंकि गांव का लड़का शहर में कैसे रहता है वो चीज़ देखिए, मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में क्या। चलिए दोस्तों, जा रहे हैं हम लाने मुर्गा, चल झोड़ा पैसा ला फटाफट। तो दोस्तों फाइनली चिकन लेके आ गए, आधा किलो चिकन और आधा किलो पंजा, क्योंकि मैडम बोली है कि चिकन भी ले आइए, बउआ है ना छोटा सा, तो उसको भी खाने में दिक्कत होता है दोस्तों, पंजा नहीं ना खाएगा। हम इस चलिए यार, संडे है तो कह रही शाम तक यही खाना है। चलिए दोस्तों चलते हैं, आप बनाते हैं, मैडम खुश हो गए चिकन ले आए तो। अब रसोई में आ गए हैं, आज बनाएंगे मिलजुल के चिकन, पंजाबी और मीट भी दोनों एक साथ ही दोस्तों आज बनाएंगे, क्योंकि आज संडे है दोस्तों। आप लोग भी बनाइए और संडे के एंजॉय कीजिए यार, बच्चे कम से कम खुश तो रहेंगे, जिंदगी में क्या करना है, खाओ पियो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेहनत किसके लिए करते हैं, सामान सब के लिए है कि नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं अब चिकन का पंजा और झरका लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह आपके जी पंजा लाए हैं, ये मुर्गी का पंजा, और ये देखिए आधा किलो दोस्तों मीट लेके आए हैं, इसमें कर लीजिए डलवा लिए अपना छोटका बउआ के लिए। देखिए चलिए आज बनाएंगे यही। देखिए दोस्तों, ये मुर्गा का पंजा फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से, इसको क्यों छीलेंगे तो देखिए दोस्तों, इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से आग में, आग में भून के दोस्तों बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, नहीं तो दोस्तों ये उतना मज़ा नहीं आएगा, उबाल के दोस्तों मज़ा नहीं आता है। अब इसको आग में फ्राई करके, अब दोस्तों इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो छिलाएगा नहीं इसका चमड़ी। देखिए दोस्तों, इसका चमड़ी फटाफट साफ कर लेते हैं, कितना जल्दी जल्दी छिला जाएगा दोस्तों चमड़ी, अच्छी तरह से दोस्तों साफ कर लेंगे इसको। देखिए आप लोग बनाइए दोस्तों, खाइए गांव के तरीके से मीट, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल सफाई कर लेंगे फटाफट, अच्छी तरह से दोस्तों साफ कर लेंगे इसको, थोड़ा सा लग गया इसको आराम से साफ कर लेंगे अच्छी तरह से झरका के। चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से साफ कर ले, हमारा मैडम लहसुन पूरा छील रही है फटाफट ना पुष्पा। देखिए लहसुन छील रही है, देखिए हो गया लहसुन, देखिए लहसुन और अदरक और जीरा दोस्तों इसको सिलबट्टा में पीस देंगे पहले की तरह ही बढ़िया से ना पुष्पा। देखिए दोस्तों, पुष्पा जी पीस ले हैं मसाला, वो चिकन के लिए जो मसाला बना रहे हैं, इसी में दोस्तों आज फ्राई भी कर देंगे, आज मीट भी बना देंगे और पंजा भी, थोड़ा शाम तक खाएंगे ना पुष्पा। देखिए दोस्तों मसाला पीस रही है हमारा पुष्पा जी, ये देखिए आप लोग पीसिए दोस्तों, खाइए।
ये देखिए हमारा गरम मसाला तैयार हो रहा है, दालचीनी और वो हरा इलायची है, लौंग है, काली बड़ी मरीच, ये दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि चिकन ये इसको पंजा का नाखून अपना सबको तोड़ देंगे, अच्छी तरह से काट लेंगे दोस्तों फटाफट। अब दोस्तों हमारा ये देखिए पूरा छील के रेडी हो गया, अब चलते हैं इसको धोने के लिए ना पुष्पा, और सबको फटाफट ये नाखून काट दीजिए। ये गंदा बेटा है ना, गंदा है, देखिए हमारा छोटा बेटा बहुत परेशान करता है दोस्तों, ये गंदा है बेटा, हटाओ, बहुत परेशान करता है। देखिए दोस्तों सबका ऐसे पंजा काट लेंगे, चलिए दोस्तों इसको धो लेते हैं। पुष्पा जी बनाएंगे अपने बंगाली स्टाइल में ना, बंगाली स्टाइल में कुछ बोल दो, नहीं आता है दोस्तों, बंगला में जन्म इसको हुआ है वहाँ पे, लेकिन अब है तो बिहार के ना की पुष्पा, थोड़ा बहुत आता है। हाँ। देखिए दोस्तों भात ही बना रखे हैं इधर, अभी मुर्गा भात खाएंगे दोस्तों दबा के, खूब खा भाई ना। तो देखिए दोस्तों पुष्पा जी धो रहे हैं चिकन, चिकन और चिकन पंजा अच्छी तरह से देखिए कैसे साफ से रगड़ रगड़ के दम धो रही है, फोन अच्छे तरह साफ कर दो एकदम बढ़िया से, अच्छा से साफ कर दो। हाँ देखिए दोस्तों एकदम चिकना हो गया, लेकिन ना अच्छी तरह साफ कर दीजिए, पंजा तो ऐसे खाए ना रहो, खाली पंजा हम खाओ, उसका खाली एक पंजा देंगे। चलिए दोस्तों फटाफट इसको हम धो लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद चलते हैं बनाने के लिए, देखिए कैसे बनता है। हम संडे पार्टी है तो बनेगा ना पुष्पा, संडे पार्टी दोस्त आइए, चिकन तैयार है और इसके साथ सामान लेके आ जाइए आप लोग ना। अब देखिए दोस्तों पुष्पा जी प्याज काट रही है ना चिकन के लिए, अब फोंसू से दोस्तों बिहार से ही फोंसू लेके आए हुए, और दोस्तों प्याज भी बिहार का ही है, ये बात है ना दोस्तों, ये अपना खेत का प्याज है, पापा आए थे ना गांव से तो लेके आए थे ना पुष्पा, देखिए प्याज भी दोस्तों गांव का, और फोंसू भी गांव का, हमारे घरवाली भी गांव के, और हम भी दोस्तों गांव का ही है, नहीं नहीं विदेश के है ना, है हमारे जिला है दोस्तों मुजफ्फरपुर, कौन कौन भाई मुजफ्फरपुर से कमेंट कीजिएगा फटाफट, अरे बाप रे आँख में दोस्तों झांक लग रहा है इसका तो। चलिए दोस्तों इसको काट लेने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, आँख में झांक लग रहा है इसका, आप लोग को नहीं लगता झांक क्या, बोलिए कि लग नहीं लग जाएगा, देखिए दोस्तों आँख में पानी अभी आने लगा जो काटते है, ये मऊ के काम ना दोस्तों, मऊए जाने सच कह रहे दोस्तों, बाप रे बाप, ये कन्हैया से काम है ना दोस्तों, ये कन्हैया लोग ही कर सकते हैं, ये हम लोग के बस के बाहर, हम लोग को पता है कैसे कमा के पैसा देना है जोड़ के घर में खर्चे है कि नहीं, ये सब काम नहीं कोई सौंप दो इन्हीं लोग के लिए ठीक है ये, नहीं तो दोस्तों हम लोग का बस कमा के इन लोग को ला के दो अपना खर्चा पूरा कर दो, नहीं तो इतना झाँक लग रहा है दोस्तों, और खाना बनाने के लिए दो दिन कह देगा ना इतना गर्मी में दोस्तों, तो दो दिन में चक्कर आ जाएगा हम लोग को, इन लोग को देखिए जिंदगी भर खाना ही बनाना है, कितना खूबसूरत रहेगा बाबू, खाला तो बनाना ही पड़ेगा, घर बच्चा के धोना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा खूबसूरती पे घमंड नहीं करना चाहिए, समझे दोस्तों है कि नहीं, जो करता हो वो ना, क्यों घर बच्चे को धोना ही पड़ेगा, हम लोग ऐसे बानर आदमी को कौन देखेगा, दोस्तों कोई नहीं देखेगा इसको, सोच रही कहाँ फंस गए, फंस गई है ना, देखिए दोस्तों बोलने का मतलब क्या है, यानी फंस गए हम लोग, हमने सुना तो हम लोग दोस्त खुला ऑफर है, बोले से मेरे को भी लग गया खुला ऑफर है दोस्तों, और जिसको अगर इसको जिसको साथ जाना चाहते हैं चला जाए कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या है रोज मुर्गा बनाएंगे एगो पौआ लाएंगे मार के सो जाएंगे दोस्तों, टेंशन फ्री, टेंशन तो नहीं लगेगा, नून लाओ तेल लाओ, समझ ना, एक तो चिकन आधा मुर्गा का पंजा ला रहे थे, चिकन ला के दिए इसको, हैं देख कैसे बात कर रहे हो, देखिए आंख से आंसू भी आ गए, रोने भी लगे, नहीं छोड़ के जाना, छोड़ के जाइए, झुट्टी भी आ गया दोस्तों, झुट्टी भी आ गया, देखिए लड्डू
मम्मी छोड़ के जाएगी। देखिए किसके सारे जी के चल अब दोस्तों अब चिकन बनने जा रहा है हमारा। पुष्पा जा रहा है अब चिकन बनाने। प्याज इधर काट लिए देखिए ना पुष्पा। दोस्तों थोड़ा इधर वीडियो बनना थोड़ा दिक्कत होता है कि रसोई है ना दोस्तों, गांव की खुला जगह रहता है तो क्या बात है। यहाँ तो देखिए इतना गाँव में गुजारा करना पड़ता है और गांव में कम से कम हमारे 4-5 दूर में तो हमारे सके चूल्हे रखा हुआ है कि नहीं। यहाँ मजबूरी है दोस्तों, छोटा सा जगह में काम चलाना पड़ता है, क्या करें। देखिए अब तक पत्ता रख दें हम हमारे पुष्पा जी। अरे बाप रे बाप दोस्तों गर्म बहुत है। मसाला इधर तैयार है दोस्तों, अपन लहसुन उसन जो पीसते हैं सब वही है दोस्तों। पूरा मसाला अपना तैयार करिए पुष्पा अपन। अच्छा लगा अच्छी संडे का पार्टी दावत है दोस्तों। चिकना तैयार कर रहे हैं, इसके साथ जो सामान है अपना लेके आ जाइए सब भाई। देखिए तेजपत्ता रख दिए पुष्पा ने। ये हमारा प्याज दोस्तों देखिए कटा हुआ है। वाह देखिए दोस्तों अपना फ्राई हो रहा है प्याज। प्याज फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इधर देखिए दोस्तों हंडी भी चढ़ा हुआ है तो बात के। प्याज फ्राई हो गया है और चिकन रख लेते हैं। देखिए लेग पीस भी दोस्तों ले आए थे। देखिए दोस्तों कह ही थे पुष्पा 1 घंटा में बन जाएगा, 1.5-2 घंटा तो हो गया लगभग। नहीं पंजाब दोस्तों छीने में ना बड़ा टाइम लगता है, हजार 15 बहुत काम लगे ठीक है कि नहीं। चलिए दोस्तों अब लग रहा है जल्दी बन जाएगा ना, सब काम तो नहीं मिले। चलिए दोस्तों अच्छी तरह से उसको मिला लेते हैं फटाफट। हमारे पुष्पा जी चिकन रख दिए है और अच्छी तरह से फ्राई कर रही है हमारे पुष्पा जी। बोले तो 3 घंटा हो गया है और 1 घंटा बोली थी, लेकिन दोस्तों आप बन जाएगा 1/2 घंटे तक। सब सामान अपना तैयार है, आराम से बनाते हैं और खाते हैं दोस्तों। संडे या संडे जो है कमाना तो दोस्तों जिंदगी भर है ही है। जो मिडिल क्लास आदमी को जो गरीब आदमी को क्या है, कमाना और खाना ही है दोस्तों। अपने फैमिली को खुश करके रखना है कि नहीं, और कुछ नहीं है जिंदगी में। फैमिली खुश सब खुश। चल हम तो फटाफट देखिए दोस्तों हमने भी हम दिए। तो देखिए दोस्तों हमारा चिकन बिल्कुल कसा गया, मैंने वो भुजा गया दोस्तों, इसके भाषा में कसा गया कहती हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसमें मसाला डालेंगे। बंगाली में बोलते हैं कसा गया। वो वाह बंगाली बोलते कसा गया। क्या क्या नाम भी सुनना पड़ता है दोस्तों इसके साथ रहते हैं। जल्दी रखा फटाफट भूख लगा हुआ दोस्तों, इतना बस क्या होता है। तो इसके चक्कर में सुबह से वो खाली पुआ खाए हैं बस। खाना खाली है ना, भूल गए चिकन खाने वो याद कमजोर हो गए। टमाटर नहीं है क्या दोस्तों? टमाटर भी काटे नहीं है दोस्तों। चलो फटाफट काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर काट लेंगे उसको फटाफट। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये जगह भी ठीक है दोस्तों वीडियो बनाने के। देखिए पूरा नज़र भी आता है क्या दोस्तों? नहीं यही कमरा लेको लगवा देते हैं कमरे में वीडियो बनाने। यही दोस्तों का कहना लगवा दे पुष्पा के लिए। देखिए नमक डल रहा है दोस्तों, बैक कैमरा से दोस्तों दिखा रहे हैं। नमक नमक सब चीज़ डाल दिए पुष्पा ने। अच्छा खाली टमाटर दोस्तों डालना है ना, जल्दी काट लीजिए उसको भी फटाफट। देखिए मस्त लगता है लेकिन खाने में दोस्तों, हमें तो दोस्तों बहुत पसंद है। मछली से ज़्यादा ठीक लगती है मछली में ना पैसा। चलिए दोस्तों टमाटर काट के रख लेते हैं। तो टमाटर काट लिए हैं तो दो गो टमाटर दोस्तों अब चिकन में डाल दिए। चिकन बोले मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुर्गा में डाल दीजिए दोस्तों। बिहार के आदमी
चिकन उकन ये सब हमारा में नहीं चलता है, हमारा में चलता है मुर्गा भात मांसो बंगाली में। ये क्या चिकन उकन इंग्लिश कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा अपना भात में देखिए दोस्तों कलरी अभी अब मस्त लग रहा है, लेकिन मैं तो दूध फ्राई कर लें अभी तक दोस्तों आधा काम बचले है ना, आधा काम बचा ही हुआ। देखिए दोस्तों अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी रख के तब सिझाएंगे ना, तब बढ़िया बनेगा दोस्तों। ये दोस्तों हमारा मुर्गा तैयार, बस जल्दी होने वाला है। अब उसके मुंह में पानी आ गया, टमाटर वोटर सब डाल के दोस्तों ओके कर दिया। मांस भात आई दोस्तों, ये चिकन उकन ना मजा नहीं आता बोलने में, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ जाता है, क्या करें। अंग्रेजी लोग जो थूक के चलेंगे तो चाट भी करेंगे। हाँ वो लोग गांव के आदमी है दोस्तों, कम से कम उसका मुर्गा भात खाओ आराम से दबा के, है कि नहीं दोस्तों। क्या चिकन लिकन करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलता उसमें। मानते हैं वो थोड़ा स्टैंड चिकन लेग पीस, क्या चिकन मुर्गा लेग पीस बोल दीजिए, है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों हमारा चिकन भुजा गया, हल्का से इसमें दोस्तों पानी डालेंगे उसका, तो देखिए हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हमारा लड्डू लड्डू बाहर चल जाओ ना, खांसी हो रहा है दोस्त, चल जा बाहर, चल जा बाहर के लगा। और दोस्तों धनिया पत्ता जोड़ इसमें छीट लीजिएगा, धनिया पत्ता से स्वाद ठीक लगते हैं कि पुष्पा। देखिए दोस्तों पानी ऐड कर दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह से हल्का हल्का पकने देते हैं इसको। चलिए दोस्तों इसको पकने देते हैं, 10 मिनट वेट करते हैं। दोस्तों हमारा अच्छी तरह से मीट भुजा गया, बस थोड़ा देर और इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, डाल दीजिए फटाफट गरम मसाला इसमें डाल देते हैं दोस्तों, जल्दी से गांव का स्वाद बनाना है दोस्तों, तो बच्चों को खेलना ही ना है, टाइम लगता ही है। और धनिया पत्ता छिड़क देते हैं दोस्तों, ये देखिए बस बहुत जल्द दोस्तों बन गया बस अपना चिकन, ये थोड़ा सा ये होगा बस। आ जाइए दावत पर भात, सही बात है, नाम जरूर लगे खुश हुए थे दोस्तों, इसको लोग अति करने लगता है। और भात और मुर्गा आइए और खाइए, क्या चीज थोड़ा ग्रेवी बना लेते हैं तो भात जोड़े खाने दोस्तों। दोस्तों फाइनली हमारा ये चिकन बन के तैयार हो गया, अब चलिए दोस्तों भात उत निकालते हैं, अपना खाना खाते हैं, दिखाते हैं दोस्तों बैक कैमरा से।